बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम अलैकुम। मेरा लास्ट लेक्चर अफेक्टिव टीचिंग के हवाले से था, उसमें कुछ बेसिक्स आपके साथ डिस्कस किए थे। आज मज़ीद इसी टॉपिक को हम कुछ और पॉइंट्स के साथ डिस्कस करेंगे। उन पॉइंट्स में कुछ डूज एंड डोंट्स हैं जो कि आपके साथ डिस्कस करूँगी, जिससे आपके टीचिंग स्किल्स जो हैं वो मज़ीद इम्प्रूव हो सकते हैं। बिफोर दैट आई एम गोइंग टू शेयर अ स्मॉल थिंग विद यू कि देखिए, एक टीचर जो होता है ना, वो स्टूडेंट के लिए एक रोल मॉडल होता है। सो प्लीज़ ट्राई टू लाइक उसके लिए पॉजिटिव इम्पैक्ट, पॉजिटिव इन्फ्लुएंस छोड़ने की कोशिश करें, ना कि आप कोई ऐसी बात कर दें या ऐसी चीज़ कर दें कि जिससे उस बच्चा जो है वो एक नेगेटिव अफेक्ट ले ले आपका। सो ट्राई टू बी पॉजिटिव फॉर द स्टूडेंट्स। नाउ कुछ डूज एंड डोंट्स डिस्कस करते हैं। सबसे पहला जो पॉइंट आपके साथ डिस्कस करूँगी वो है, डोंट कम टू टीच अ लेसन अनप्रिपेयर्ड। व्हाट डज इट मीन? बेसिकली हम सबसे पहला काम हमारा क्लास में जाते ही क्या होता है कि हमने लेक्चर देना होता है। सो वो लेक्चर ही अगर प्रिपेयर्ड नहीं है, सो व्हाट इज़ द पर्पज़ ऑफ द क्लास देन? आपका जो सारा टाइम है ना, वो बिल्कुल वेस्टेज में चला जाएगा और उसका कोई यूज़ नहीं रहेगा। आप अगर क्लास में अनप्रिपेयर्ड जा रहे हैं, दैट मीन्स आप एक ब्लैंक इंसान जो है ना वो क्लास में जा रहा है। सो इफ़ यू डोंट नो व्हाट टू डू इन द क्लास, तो स्टूडेंट जो है ना वो उस टाइम को बिल्कुल अवेल नहीं कर पाएंगे और उसका कोई फ़ायदा नहीं उठा पाएंगे। सो प्लीज़ ट्राई टू प्रिपेयर योर लेक्चर वेल। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है वो है, डोंट रैम्बल। दैट मीन्स कि आप क्लास के अंदर जो है ना वो बार 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 और इतना कॉन्स्टेंटली मत बोलें कि बच्चे को मौका ही ना मिले कि वो अपनी बात भी कर सके। और सम टाइम्स ऐसा होता है कि आप बिल्कुल ब्लैंक हो जाते हैं और एनलेसली बातें करना शुरू कर देते हैं। सो प्लीज़ ट्राई टू बी इन द क्लास एंड ट्राई टू बी प्रेजेंट लाइक इन द क्लास। आपका माइंड जो है ना उसको प्रेजेंट होना चाहिए, सो दैट कि बच्चा जो है वो आपकी बात को अच्छे से समझ सके और अपनी बात भी आपको समझा सके कि टीचर देयर इज अ प्रॉब्लम और आई एम गेटिंग ऑल द थिंग्स क्लियरली। सो प्लीज़ इस चीज़ का थोड़ा सा ख्याल रखना है कि आपको टू द पॉइंट बात करनी है, रेलिवेंट बात करनी है, जो आपका टॉपिक है उसके हवाले से बात करनी है। सो नेक्स्ट जो पॉइंट है जो हम डिस्कस करेंगे वो है, डोंट रीड फ्रॉम द टेक्स्ट विद योर नोज इन द बुक। व्हाट डज इट मीन कि नोज इन द बुक? इसका मतलब ये है कि नाक को बुक के अंदर रख के नहीं पढ़ना। इनफैक्ट इसका मतलब ये है कि आपने जो है ना वो अपने स्टूडेंट्स को ऐसे पढ़ाना है कि उसको, बच्चों को ये फीलिंग ना आए कि टीचर जो है ना उसे बुक खोल रहा है और रीडिंग कर रहा है और हमें पढ़ा रहा है। सो इट शुड नॉट बी लाइक दिस। आप वेल प्रिपेयर्ड होने चाहिए, आपके पास कंप्लीट मटीरियल जो है ना वो आपके पास प्रिपेयर्ड होना चाहिए। आपके दिमाग में आपके आपकी जो लेसन प्लान है वो आपको हेल्प कर सकता है। उस पर पॉइंट्स लिखे होते हैं, वो पॉइंट्स आपको हेल्प कर सकते हैं एक अच्छा लेक्चर देने के लिए। सो ट्राई नॉट टू रीड ऑल द थिंग्स फ्रॉम द बुक इन फ्रंट ऑफ द स्टूडेंट्स। देन वॉट वी आर गोइंग टू डिस्कस इज, डोंट इग्नोर अ चाइल्ड हु सीम्स कन्फ्यूज। कुछ बच्चे क्लास में ना हमें कभी कंफ्यूज लग रहे होते हैं, सो डोंट लेट देम देयर। आप उनको वहाँ से हटाने की कोशिश करें, लाइक उनकी कंफ्यूजन को दूर करने की कोशिश करें, उनको मज़ीद एक्सप्लेन करें उस चीज़ को, उनसे पूछें कि उनको क्या समझ में नहीं आया। अगर आप उस बच्चे को वहाँ पे छोड़ देंगे ना, तो उसका वो गैप जो है वो वहीं का वहीं रह जाएगा और आप उसको बाद में कवर करना चाहें भी तो नहीं कर सकेंगे। सो प्लीज़ पे अटेंशन टू एवरी चाइल्ड इन योर क्लास। Then my next point is, don't come late from the teacher's room. Now it doesn't mean कि हम teacher's room में बैठ के आप gossiping कर रहे होंगे या whatever। हो सकता है आप बहुत ज़रूरी काम कर रहे हों, आप notebook checking कर रहे हों, या आप कोई अपने planning कर रही हों, या कोई important meeting हो जो आप attend कर रहे हों। So please try करें कि अपने आप को हमेशा 5 to 10 minutes पहले free कर लें। फ्री करके आप एक अपना लेक्चर भी गो थ्रू कर सकते हैं, सो दैट के आप लिंक्ड हो जाएं क्लास में जाने से पहले, आप उस चीज़ को पढ़ भी लें, आप वेल प्रिपेयर्ड भी हो जाएं, और सेकंडली आप क्लास टाइम पे पहुंच जाएं। सो ट्राई टू फ्री योरसेल्फ बिफोर 5 मिनट्स एटलीस्ट। देन हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है, डोंट आस्क द होल क्लास टू आंसर इन कोरस। नाउ समटाइम्स क्या होता है कि टीचर जो है ना वो क्वेश्चन करता है और सारी की सारी जो क्लास है वो एक साथ उसका आंसर करने की कोशिश कर रही होती है। सो ट्राई
टू अवॉइड दिस, अपने जो स्टूडेंट्स हैं उनको ये रूल बताएं कि दिस इज़ नॉट द वे टू आंसर द क्वेश्चन, दिस इज़ नॉट द वे कि आप कोई भी क्वेश्चन है और उसको सब बच्चे मिलके जवाब दे रहे हैं. नो, इट शुड नॉट बी लाइक. इससे होता क्या है कि समटाइम्स कुछ बच्चे जो होते हैं ना, उनको समझ में नहीं आया होता, उनको पता नहीं होता बेसिकली कि आंसर करना क्या है, पर वो सब बच्चों के पीछे छुप जाते हैं. उनकी आवाज़, उनकी उनका चेहरा, वो सब बच्चों के पीछे छुप जाता है. टीचर को पता नहीं चलता कि कौन सा स्टूडेंट ने आंसर किया कौन सा नहीं. सेकंड इशू इज़ डिस्टर्बेंस, कि आप एक क्लास बहुत ज़्यादा शोर कर रही है तो उसकी जो नेबर क्लास है डेफिनेटली वो सफ़र करेगी. सो इन इशूज़ को आप इस तरह ख़त्म कर सकते हैं कि यू कैन लाइक यू कैन टेल योर स्टूडेंट कि आप वन बाय वन आंसर करें, आपको इकट्ठा आंसर नहीं चाहिए. सो होपफुली आपको ये पॉइंट्स जो हैं वो क्लियर हो गए होंगे. इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम किसी और पॉइंट को, किसी और टॉपिक को डिस्कस करेंगे. होपफुली आपको वीडियो अच्छी लगी होगी. वेटिंग फॉर योर फीडबैक. थैंक यू सो मच. अल्लाह हाफिज़.